नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एपी क्लासेस के इस नए वीडियो में। दोस्तों, मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज में आज का वीडियो एक बार फिर हम लेके आए हैं कुछ नए प्रश्न लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। चिंतामणि जो है वो किसका निबंध संग्रह है? तो इसका आंसर है आपका रामचंद्र शुक्ल। इसका जो इसके जो लेखक है वो है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, मतैक्य का संधि विच्छेद क्या होगा? मतैक्य का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मतैक्य का संधि विच्छेद क्या होगा? मत धन एक, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधिक का संधि विच्छेद, तो इसका दोस्तों अत्यधिक संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन अधिक, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका। तालाब का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तालाब का पर्यायवाची शब्द, तो तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? जलाशय। तालाब को हम लोग जलाशय भी बोलते हैं, तो ये इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द, मतलब ऐसे व्यक्ति को जिसने इंद्रियों को जीत रखा हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? जितेंद्र, जितेंद्रिय। क्या कहते हैं? मैं यहां लिख के दिखा देता हूं आपको, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को, जो पांचों इंद्रियां होती हैं, उनको जीत रखा हो, मतलब उनको काबू में कर रखा हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के, मतलब जैसे है संस्कृत में वैसे ही उपयोग हो जाए, तो उनको हम कैसे शब्द कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं उनको। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न, द अपोजिट ऑफ वर्ड सपोर्ट इज। सपोर्ट का अपोजिट वर्ड लिखना है। तो सपोर्ट का वर्ड, सपोर्ट मतलब किसी को सपोर्ट करना होता है, सहारा देना, तो मतलब उसका, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? किसी को अपोज करना, ये इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। सिमिलर टू वर्ड परचेज, परचेज का सिमिलर वर्ड। परचेज हम लोग क्या करते हैं? किसी चीज को बाई करते हैं, तो ये इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा, बाई। One who looks at the bright side of things, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी चीज की, किसी भी मतलब कोई भी होनी हो, कोई भी चीज हो, उसके हमेशा अच्छाई की तरफ देखे, ब्राइट साइड की तरफ देखे, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्टिमिस्ट, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि तथेत का संधि विच्छेद क्या होगा? तथेत का संधि विच्छेद, तो तथेत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? तथा प्लस इति, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तथेत का। अगला प्रश्न, चौर भयम में कौन सा समास है? चौर भयम में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है दोस्तों? पंचमी तत्पुरुष समास, पंचमी और तत्पुरुष समास है इसमें, तत्पुरुष। चलिए अगला प्रश्न, भीरता भय हेतु में कौन सा कारक है? भीरता भय हेतु में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है दोस्तों? अपादान कारक है, अपादान कारक। अगला प्रश्न, त्वम जीवितम का क्या अर्थ है? त्वम जीवितम का क्या अर्थ है? ये संस्कृत में है त्वम जीवितम, तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? तुम जीवन हो। क्या हो? तुम जीवन हो, ये इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न, उवाच किस लकार का रूप है? उवाच जो है वो किस लकार का रूप है? तो किस लकार का रूप है दोस्तों? लिट लकार का, ये उवाच जो है वो लिट लकार का रूप है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि बालक शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप होगा। बालक शब्द के चतुर्थी एक वचन का क्या रूप होगा? तो बालक शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? बालकाय। क्या हो जाएगा दोस्तों? बालकाय। अगला प्रश्न, मातृकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? जो मातृकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति थी वो कब लागू की गई? तो कब लागू की गई थी? 1971 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? जो समुद्र में जो आइसबर्ग होता है वो जो प्लवन करता है, तब उसका कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों?
एक बटा दस भाग जो है वो ऊपर रहता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो सभी को पता होगा पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये पृथ्वी का पलायन वेग होता है। एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर जो है वो कितने वॉट के होता है? तो एक हॉर्स पावर जो होता है सभी को पता है, कभी से छोटे क्लासों में पढ़ा है, 746 वॉट के बराबर होता है ये एक हॉर्स पावर। एक हॉर्स 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध सभी लोग पीते हैं, घरों में होता है, तो उसका पीएच मान कितना होता है? जनरली बुक में एक एग्जैक्ट वैल्यू लिखी होती है 6.6, पर हम ये कहेंगे कि इसका जो मान होता है वो 6.5 से और 6.7 के मध्य होता है, इसके मध्य होता है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू 6.6 हम नहीं कह सकते, जो इसका जो पीएच होता है दूध का वो 6.5 से 6.7 के मध्य होता है इसका पीएच वैल्यू। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में जो डाक सूचकांक प्रणाली है उसकी शुरुआत किस वर्ष की गई? तो उसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1972 में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? ऐसा मतलब क्या है जिसके प्रतीक में बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय लिखा हुआ है? तो ये किसका है? आकाशवाणी का, आपने देखा होगा लोगों, तो उसमें ये लिखा रहता है कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, ये अंकित है। अगला प्रश्न, अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अब अशोक के जो ब्राह्मी लिपि में जो अभिलेख थे उनको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो सबसे पहले किसने पढ़ा था दोस्तों, इसका आंसर क्या है? जेम्स, आगे क्या है दोस्तों? प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले जो अशोक के जो लिपि थे ब्राह्मी लिपि में जो अभिलेख लिखे थे उनको पढ़ा था। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऐसी कौन सी भाषा है जो भारत में सबसे अधिक बोली जाती, तीसरी भाषा? तो तीसरी भाषा सबसे अधिक कौन सी बोली जाती दोस्तों? तेलुगु, तेलुगु सबसे अधिक तीसरी भाषा बोली जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना थी वो किस वर्ष हुई थी? तो एशियाटिक जो इसकी जो स्थापना थी वो हुई थी आपकी 1784 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1784 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है आपका 1980 में। 1980 में राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना हुई थी। भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन कहां किया गया था? भारत महोत्सव का सर्वप्रथम जो आयोजन है वो कहां हुआ था दोस्तों? ब्रिटेन में हुआ था। इसका आंसर है ब्रिटेन, ब्रिटेन में भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम व्यवस्था की धारणा किसने दी थी? शिक्षण अधिगम व्यवस्था की धारणा किसने दी थी? तो किसने दी थी दोस्तों? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है आई के डिवाइस ने इसकी सर्वप्रथम धारणा दी थी। अगला प्रश्न, कक्षा कक्ष शिक्षण कौशल का विकास पृष्ठ पोषण की किस युक्ति से होता है? जो कक्षा कक्ष शिक्षण कौशल का विकास पृष्ठ पोषण की किस युक्ति से होता है? तो किस युक्ति से होता है दोस्तों? इसको तो आप लोगों को पढ़ाई होगा और आंसर हुआ, इसका आंसर है सूक्ष्म शिक्षण, इसका जो है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि उदाहरण के साथ व्याख्या करने के कौशल को क्या कहा जाता है? उदाहरण के साथ व्याख्या करने के कौशल को क्या कहा जाता है? तो उदाहरण के साथ अगर आप व्याख्या करते हैं तो उस कौशल को क्या कहा जाता है? व्याख्यान कौशल, व्याख्यान कौशल कहा जाता है उसको, अगर आप उदाहरण के साथ इसकी व्याख्या करते हैं। चलिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो उत्तर है वो है 7 अगस्त को, मतलब राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कि वर्ष 2017 में संपूर्ण विश्व में
विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था? वर्ष 2017 में संपूर्ण विश्व में विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह कब से कब मनाया गया था? तो ये कब से कब मनाया गया दोस्तों, 1 से 7 अगस्त के बीच में ये पूरा हफ्ता जो है वो विश्व स्तनपान दिवस मतलब सप्ताह मनाया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मतलब माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसे प्रदेश में स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसको बनाया है दोस्तों, ये तो काफी चर्चित नाम है और आप लोगों को पता ही होगा। इसका उत्तर है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जो फिल्म अभिनेता हैं, उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर कि किस राज्य ने 1 अगस्त 2017 को धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2017 को मंजूरी प्रदान की है? किस राज्य ने 1 अगस्त 2017 को धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2017 को मंजूरी प्रदान की है? तो किसने प्रदान किया दोस्तों, इसका आंसर क्या है? झारखंड। झारखंड ने 1 अगस्त 2017 को धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2017 को मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2017 में कांस्य पदक जीता है? मतलब किस भारतीय पहलवान ने जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2017 में कांस्य पदक जीता है? किसने जीता है दोस्तों, मंजू कुमारी ने। मंजू कुमारी ने अभी हाल ही में जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2017 में कांस्य पदक जीता था। किस देश ने 2 अगस्त 2017 को पहला पर्यावरण अनुसंधान सैटेलाइट वीनस, जिसका नाम क्या था, वीनस, प्रक्षेपित किया है? मतलब किस देश ने पहला पर्यावरण अनुसंधान सैटेलाइट जिसका नाम वीनस है प्रक्षेपित किया है? प्रक्षेपित किया तो किसने किया है दोस्तों, इजराइल ने। इसका उत्तर क्या है, इजराइल। अगला प्रश्न कि किन्हें 5 अगस्त 2017 को देश के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो ये तो सभी को पता ही होगा, अभी हाल ही में चुने गए थे। क्या नाम था इनका, एम आगे वेंकैया और नायडू, एम वेंकैया नायडू जी को, जो माननीय एम वेंकैया नायडू जी हैं वो अभी उपराष्ट्रपति हैं और इनको 5 अगस्त 2017 को देश के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसने नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से तो किसने दिया है दोस्तों, उनका नाम है अरविंद और आगे है इनका नाम पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो थे, इन्होंने अभी हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 को मंजूरी प्रदान की है? तो ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए और काफी समाचार पत्रों में भी आया था। इसका उत्तर आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा पढ़ाई के दौरान मोबाइल के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है? मतलब किस राज्य सरकार ने विद्यालयों में जो शिक्षक लोग होते हैं वो अगर मोबाइल के दौरान जो अगर कोई बातचीत करते हैं तो उन पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया है? तो किस राज्य ने लगाया है, इसका आंसर क्या है दोस्तों, हरियाणा। जो हरियाणा राज्य है उसने पूरा प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न, 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया था? जो लोग सिनेमा के शौकीन होंगे उनको पता ही होगा कि इसका आंसर क्या है, और जो लोग नहीं हैं उनके लिए हम बता देते हैं, इसका उत्तर है नीरजा। नीरजा एक मूवी थी जो एक हाईजैक के ऊपर बनी है, काफी अच्छी फिल्म है, आप लोगों को देखनी चाहिए उसको। एग्जाम खत्म होने के बाद आप लोग अवश्य देखें इसको, नीरजा को, काफी अच्छी मूवी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? इसका जो उत्तर है वो है 1946 ईस्वी। जो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी वो 1946 में हुई थी। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई, गणना पे। गणना के सिद्धांत पर डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर, आजकल के जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं उनमें किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किसका भाई, द्विआधारी अंक पद्धति का, मतलब द्विआधारी अंक
पद्धति, इसका उपयोग किया जाता है आजकल के डिजिटल कंप्यूटर में। चलिए बढ़ते हैं मैथ सेक्शन की ओर कि यदि x अपॉन a बराबर 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन x है तो x माइनस x स्क्वायर का मान कितना होगा। आपको दिया है x बटा a बराबर a1 बटा a माइनस 1 बटा x, तो x स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर का मान कितना होगा। तो आपको ये वैल्यू दी है, तो चलिए पहले इसको ही सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन a और ये ऊपर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस a अपॉन ax। इस प्रकार से हो जाएगा भाई, ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये भिन्न के तौर पे, तो इसको जब हम आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, इसमें हम निकाल सकते हैं भाई क्या ax स्क्वायर, भाई ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर a और ये हो जाएगा x माइनस a। ठीक है दोस्तों, a से a कट जाएगा भाई मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या बचेगा x स्क्वायर बराबर x माइनस a। और हमें निकालना क्या है x माइनस x स्क्वायर, तो क्या करेंगे भाई x स्क्वायर माइनस x बराबर कितना दिया है माइनस a। अब इसको इधर लाना है इसको इधर लेना है, माइनस वन का मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा तो यहाँ पे माइनस वन हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वन और इंटू ए। यहाँ पे माइनस ए को माइनस वन इंटू ए, माइनस वन कट गया तो आपका उत्तर कितना आ गया, तो आपका उत्तर आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए। ये आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार के प्रश्न आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य रुपए 80 अंकित करता है, मतलब एक दुकानदार ने एक वस्तु का मूल्य जो है वो 80 अंकित किया है, तदनुसार यदि वह उसे प्रत्येक 5% की दो क्रमिक छूट देकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। भाई उसने क्या किया है 80 रुपए अंकित कर दिया है, ठीक है, और प्रत्येक पर 5% की दो क्रमिक छूट दिया है, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है भाई, 5% की दो क्रमिक छूट। तो भाई उसने क्या किया भाई जो उसका अभीष्ट, तो विक्रय मूल्य कितना होगा ये यहाँ पे हम लिखते हैं विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य है कितना भाई, उसने 80 रुपए तो अंकित कर दिया, ठीक है, उसके बाद उसने क्या 5% की दो क्रमिक छूट दे दी, मतलब 100 माइनस 5 की छूट दी हम अब बटा 100। आपको बताया है पहले अपने प्रश्नों में कि जो दो भी वैल्यू होती है उसका आप कितना मान लेते हैं मान, पूरा कॉस्ट प्राइस कितना मान लेते हैं 100 रुपए, तो 100 माइनस 5 की छूट दी, दो बार दी तो एक बार और दी तो 100 माइनस 5 बटा 100 किया, इतना उसका एमआरपी आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई 80 गुणा 95 बटे 100 और गुणा 95 बटे 100, इसको आप जब सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, जब ये सॉल्व हो जाएगा तो मेरे ख्याल से इसका जो उत्तर आएगा ₹72.2 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, फिर उसको कर सकते हैं, वो मैंने वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं किया, आपको बता देता हूँ आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर 4 है तो x पावर 4 प्लस x की पावर 4 का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों, इसको हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, वैसे तो आप इसका स्क्वायर करेंगे वही जो पुराना फॉर्मूला होता है कि इसका स्क्वायर करो फिर उसका स्क्वायर करो फिर इसका होल स्क्वायर बनाओ फिर उसका स्क्वायर करो। देखिए इसमें एक ट्रिक होती है कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिया जाए एक्स प्लस दिया जाए, एक्स प्लस 1 अपॉन x बराबर 4 दिया जाए, और अगर आपसे एक पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर पूछा जाए, ठीक है, एक बार हमने अगर हमको एक बार स्क्वायर करना है, ठीक है, अगर एक बार स्क्वायर करना मतलब जो वैल्यू दी है उसका वर्ग करिए, ठीक है, और इसमें से दो घटा दीजिए, मेरी बात समझ में आ रही है। अगर x प्लस 1 अपॉन x की ऐसे इस तरह का प्रश्न है कि x प्लस 1 अपॉन x बराबर 4 है तो अगर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर पूछा जाए तो एक बार स्क्वायर करिए और दो घटा दीजिए, मतलब इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 माइनस 2 बराबर 14, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई 14। इस प्रकार कोई भी प्रश्न आप ऐसे, अब इसमें क्या करना है दो बार स्क्वायर, भाई एक्स की पावर 4 है तो एक बार करोगे दो आएगी, दो बार करोगे 4 आएगी, तो चलिए एक बार इसका और कर देते हैं, तो इसका भी जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 बराबर, अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 14 का स्क्वायर माइनस 2,
तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है माइनस, और 2 कर दीजिए उत्तर कितना आ जाएगा आपका 194। ये एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है और इस प्रकार के काफी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। अब यहां से भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर x की प्लस 1 अपॉन x की पावर जो 4 दिया है तो x की पावर 4 है तो ये 2 बार स्क्वायर होगा, मतलब 4 का आप 4 बार कर लीजिए, 4 चौक 16, 16 चौकू 64 और 64 चौकू 196 करिए, उसमें से माइनस 4 कर दीजिए, या आप इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, आप इससे कोई भी प्रश्न इस तरह, लेकिन अगर केवल प्लस दिया हो तभी ये ट्रिक काम करेगी, और अगर यहाँ पे माइनस है तो उसमें 2 जोड़ेंगे, बस इतना चेंज है। अगर आपको यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन x दिया है बराबर 4 दिया होता तो इसमें यहाँ पे माइनस की जगह यहाँ पे 2 क्या करते हैं, प्लस 2 कर देते हैं, हम यहाँ पे प्लस 2 कर देते बस, मतलब माइनस वाले में 2 प्लस कर दीजिए और प्लस वाले में 2 माइनस कर दीजिए, जितना पूछा जाए जितनी बार स्क्वायर उसमें से उतना स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए 2। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर एसी है, एंगल बीएसी बराबर 40 डिग्री है, तो बी पर बाह्य कोण कितना होगा? तो सबसे पहले तो इसका हम रेखा चित्र बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, एक ये एबीसी है और यहाँ पे हम बना लेते हैं ए, ये बी बना लेते हैं, ये सी बना लेते हैं। अब ये पूछ रहा है कि एबीसी में एबी बराबर एसी, मतलब ये साइड इसके साइड की इक्वल दी हुई है, एंगल बीएसी बराबर 40 डिग्री है, ये एंगल जो है ये इसने 40 डिग्री दे दिया है। अब कह रहा है बी पर बाह्य कोण, मतलब ये एंगल ये पूछ रहा है कि ये एंगल कितने का निकालना है। तो देखिए ये एंगल 40 है, ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो गया, मान लीजिए हम इसको थीटा मान लेते हैं। तो अब भाई तीनों ट्रायंगल का सम जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो भाई 40 डिग्री प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, ठीक है, तो 2 थीटा बराबर कितना हो गया 140 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना आ गया 70 डिग्री, तो ये वैल्यू जो आ गई 70 डिग्री आ गई। अब ये एक सीधी रेखा है, अब सीधी रेखा पर जो दोनों कोण बनेंगे उन दोनों का सम भी 180 होगा, मतलब कि जो बाह्य कोण जो होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 180 माइनस 70 के, तो ये उत्तर कितना आ जाएगा 110 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री का ये कोण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि यदि ए सी से 50% बड़ा है, ए जो है वो सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी में कितने, ए बी से कितने परसेंट बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे ए बी जो ए है वो भी सी से बड़ा है, बी है वो भी सी से बड़ा है, तो हम मान लेते हैं कि भाई सी बराबर कितना मान लेते हैं हम 100। अगर हमने सी 100 मान लिया तो ए कितना हो गया 150 हो गया और बी कितना हो गया 125 हो गया, 25% बड़ा है तो बी 125 हो गया, ए 150 हो गया। ठीक है, तो अब कितना प्रतिशत बड़ा है ए बी से, बी से फिर कितना प्रतिशत बड़ा होगा भाई 150 माइनस 125, ठीक है, बटे कितना करेंगे 125, यही तो होगा, तो उत्तर क्या होगा, और फिर इसमें गुणा कितना कर देंगे 100 का, तो प्रतिशत निकल आएगा, मतलब क्या हो जाएगा 25 बटा 125 गुणा 100, तो 25 चक्कू 100, 4 से काट दीजिए, सॉरी 25 पना 125 आएगा और 5 से कटेगा तो ये 20 आएगा, तो कितना आ जाएगा उत्तर आपका 20%। इस प्रकार से आप ये प्रश्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्न लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।